नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज 23 जनवरी 2024 है। आज प्रथम बार आम जनता के लिए राम मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और आप ये देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हर गैप पे 1 किलोमीटर का रास्ता है और हर बैरिकेडिंग पे आपको कुछ लोग मिलेंगे। अभी जैसे ये यहाँ खड़े हैं, आगे जाएंगे फिर एक और बैरिकेडिंग होगी, फिर उसके आगे होगी और थोड़ा सा आगे ही राम मंदिर है जो आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, आगे ही पेड़ दिख रहा होगा आपको, पेड़ के बाद आगे राम मंदिर है जो आप देख पाएंगे। एक ये पीछे मेरे बैरिकेडिंग है जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, पहले इस बैरिकेडिंग के उधर लोगों को रोका हुआ है, फिर 100 मीटर के बाद एक और बैरिकेडिंग है, फिर 100 मीटर के बाद एक और बैरिकेडिंग है, फिर एक मेन बैरिकेडिंग है। इस तरीके की कई मेन बैरिकेडिंग्स इस 1 किलोमीटर के रास्ते में लगाई गई हैं ताकि गैप पर जगह जगह स्टेप करके आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजा जाए, एक साथ भीड़ ना हो जाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया, रामलला की मूर्ति आप सब देख ही चुके हैं जो टीवी पर लाइव दिखाई गई, न्यूज़ डिगी ने भी आपको लाइव दिखाया अयोध्या से। और जहां अभी मैं खड़ा हूं वो राम मंदिर का ये रास्ता है, मेरे पीछे राम मंदिर है, अयोध्या में अभी हम मौजूद हैं। यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आते हैं, मगर अभी जो कमी है वो कमी है व्यवस्था में, दर्शन करने की व्यवस्था में। जिस समय अभी हमने आपको वहाँ दिखाया इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था प्रशासन के लिए भी, वहाँ पे कई लोगों के दम भी घुट रहे थे, कई लोग बेहोश होकर गिर भी रहे थे सिर्फ इस वजह से कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। जब हम निकले तो मेरा भी ब्लेजर फट गया है पूरा, ठीक है, और बहुत नुकसान हो, मतलब आम जनता को झेलना पड़ रहा है जनरली, क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं है। आज पहला दिन है, वो धीरे धीरे सही भी होगी। बीच में कैंप लगा रखे हैं जगह जगह, आप देख रहे हैं साफ़ सफाई वैसे तो अयोध्या में मेंटेन की गई थी, मगर आज जब श्रद्धालु आए तो आप देख सकते हैं जगह जगह कपड़े, लोगों के जूते चप्पल, शायद इस व्यवस्था में अभी समय लगे, जूता चप्पल स्टैंड बने, बैग रखने के लिए लोगों के लिए जगह हो, देख सकते हैं आप लोगों के बैग ऐसे ही पड़े हैं। ये देखिए इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोगों के बैग ऐसे ही पड़े हैं, लोग आगे खड़े हैं, चप्पल जूते यहाँ पड़े हैं, तो अभी थोड़ी व्यवस्था उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। खैर ये पहले से ध्यान रखना चाहिए था, पूरा विश्व पूरा भारत इंतज़ार कर रहा था राम मंदिर के खुलने का और सबको पता था कि 23 जनवरी से दर्शन खुलेंगे तो लोग आना भी शुरू करेंगे, लोग आ भी रहे हैं भारी तादाद में, बहुत भारी भीड़ है अयोध्या में। अगर मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा, अगर आप देख रहे हैं तो, कि अभी आप थोड़ी देर ना आए क्योंकि अयोध्या बहुत छोटी है, यहाँ पर उतने गेस्ट हाउस होटल नहीं है जितने होने चाहिए और आपको रुकने में भी दिक्कत हो सकती है, दर्शन करने में भी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा समय लें, मंदिर खुल गया है, कहीं नहीं जाएगा, अब वर्षों तक यहीं रहेगा, आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर भारी तादाद में अभी श्रद्धालु मौजूद हैं, मैं आपको इधर से भी आके दिखाता हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम एकदम पुख्ता है मगर व्यवस्था में ढील है, लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगातार जग रहे हैं, आप इधर देखिए, जय श्री राम के नहीं राम, जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लोगों में वो उत्साह है, वो अपने राम मंदिर के दर्शन करने का उत्साह है जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं लोगों के बीच में। इस तरीके की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, अयोध्या।